दोस्तों अपन बात कर लेते हैं आज यूपी टेट की, क्योंकि यूपी टेट का एग्जाम बहुत ही नजदीक है और बहुत ही जल्दी एग्जाम होने जा रहा है। तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कुल कितने फॉर्म भरे गए, फर्स्ट लेवल पे कितने फॉर्म आए, सेकंड लेवल पे कितने फॉर्म आए हैं और इसमें नया इस बार क्या जुड़ा है, क्योंकि काफी कुछ नया है जो इस बार यूपी टेट में आपको देखने को मिलेगा। और साथ साथ मैं आपको ये बताऊंगा कि इस एग्जाम में भरे गए फॉर्म में से कितने फॉर्म रिजेक्ट हो चुके हैं, कहीं आप भी उन लोगों में शामिल तो नहीं है जिनके फॉर्म रिजेक्ट हुए हैं, या फिर इसमें इतने सारे डॉक्यूमेंट मांगे गए हैं जहां आप जरा सी गलती कर देंगे तो आप एग्जाम से बाहर हो सकते हैं। तो दोस्तों वीडियो को पूरा देखें और इस वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि ये जानकारी आपको मिलती रहे। तो सबसे पहले अपन ये बात कर लेते हैं कि यूपी टेट में कुल आवेदनों की संख्या कितनी है। तो आपकी उम्मीद के अनुसार ही जितना बड़ा स्टेट है, जितना बड़ा यूपी वालों का दिल है, उतनी ही संख्या में यहाँ के फॉर्म भरे गए हैं। पंजीकरण यानी कि जो रजिस्ट्रेशन हुआ है वो 18,27,851 लोगों ने रजिस्ट्रेशन इसमें कराया था, उसमें से 44,135 के फॉर्म निरस्त हो चुके हैं। और अगर अपन बात करें प्राइमरी लेवल पे यानी फर्स्ट लेवल में जो आवेदन आए हैं उनकी संख्या है 11,70,786 और जो सेकंड लेवल की बात करें यानी अपन यूपीएस लेवल पे आए आवेदनों की बात करें तो उनकी संख्या है 6,12,930। ये आपके आवेदनों का एक छोटा सा डिस्क्रिप्शन हुआ। अब अपन बात कर लेते हैं कि इस परीक्षा को देने के बाद कितने पदों पर नियुक्ति होगी। तो दोस्तों ये जब एग्जाम हो जाएगा यूपी टेट के बाद तो सरकार ने सोचा है, योगी आदित्यनाथ जी मुख्यमंत्री, उन्होंने सोचा है कि 95,000 सहायक अध्यापकों की वो भर्ती करेंगे इस एग्जाम के थ्रू। तो ये एग्जाम आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि आने वाली भर्तियों की संख्या बहुत ज्यादा है, इसमें 95,000 बहुत ज्यादा भर्तियों की संख्या है, तो आपका ब्राइट इसमें फ्यूचर जो है हो सकता है। अब अपन बात कर लेते हैं एग्जाम कब है, तो वो 18 नवंबर को है। फर्स्ट पारी जो है सुबह 10 से 12:30 तक है और सेकंड पारी जो है वो दोपहर 2:30 से शाम को 5:00 तक है। आपको लेकर के क्या जाना है, और देखो इसमें बता दूं जो लेके जाना है उसकी मूल प्रति ले जाएं, कोशिश करें आप, ठीक है ना, फोटोकॉपी के साथ साथ मूल प्रति जरूर ले जाएं, यानी मूल प्रति ले जानी है, फोटोकॉपी भी लेकर जाएं और सेल्फ अटेस्ट करें। तो आपको वोटर आईडी आपके पास हो तो बहुत अच्छा है, ड्राइविंग लाइसेंस हो सकता है आपके पास वो भी चलेगा, ठीक है, आपका पैन कार्ड है वो भी चलेगा, आपका पासपोर्ट है वो भी चलेगा, ठीक है ना, ये सब चीजें आपकी चलेगी। इसके अलावा आपकी जो प्रशिक्षण योग्यता का प्रमाण पत्र है वो और किसी भी सेमेस्टर की अंक तालिका की मूल प्रति ये भी आपको ले जाना जरूरी है, फोटोकॉपी जरूर ले जानी है साथ, ये विशेष रूप से ध्यान रखें। साथ ही साथ आपने जिस भी इंस्टीट्यूट से जो भी ट्रेनिंग की है उसके रजिस्ट्रार या उसके सक्षम अधिकारी की ओर से जो नेट से प्राप्त अंक की प्रति है, अंक प्रति है वो भी आपको जरूर ले जानी है, यानी कि ये डॉक्यूमेंट आप फोटोकॉपी भी ले जाएं और ओरिजिनल भी ले जाएं क्योंकि इस बार काफी सारा घालमेल है। अब अपन बात कर लेते हैं कि इस बार एग्जाम में नया क्या है, यूपी टेट में नया क्या है। तो देखो सबसे पहली बात तो यूपी टेट में एक सबसे बड़ी अच्छी बात यह की थी कि जो शिक्षा मित्र थे उनके लिए आवेदन में अलग कॉलम बनाया गया था, तो सरकार को स्क्रूटनी करने में बड़ा आसान होगा कि कितने शिक्षा मित्र हैं जो इस एग्जाम में बैठ रहे हैं। तो हो सकता है इसको 95,000 जो भर्तियां निकले उसमें उनको बेनिफिट मिले, जहां तक माना जा रहा है ये डेफिनेट उनको बेनिफिट मिलने वाला है। दूसरी बात, ऐसे लोग जिन्होंने एनसीटीई से मान्यता प्राप्त संस्थानों से जो है डीएलएड किया था या संबंधित कोर्स कर लिया था उनको भी इस एग्जाम में इस बार अपीयर करने की परमिशन दे दी है। तीसरी बात यह है कि इसमें जो है बीएड जो थे वो पहले केवल यूपीएस के लिए ही योग्य हुआ करते थे, इस बार उन्होंने पीएस लेवल यानी लेवल फर्स्ट के लिए भी उनको योग्य कर दिया है। तो बीएड वालों को डबल फायदा हुआ, वो फर्स्ट लेवल का भी दे सकते हैं और सेकंड लेवल का भी दे सकते हैं। तो बीएड वालों को फर्स्ट लेवल पे एंट्री देना ये भी यहां एक नवाचार देखने को मिल रहा है। साथ ही साथ बात करें प्रश्न पत्रों की, मैक्सिमम विवाद होता है पेपर को लेकर के, पेपर में क्वेश्चन बाहर से आए हैं आउट ऑफ सिलेबस आए, तो इस बार ये क्लियर कर दिया है सरकार ने कि 1 से 8 तक की जो परिषदीय पुस्तकें हैं, पहली कक्षा से 8वीं कक्षा तक की जो परिषदीय पुस्तकें हैं सिलेबस वही होगा, प्रश्न पत्र उसी में से बनेगा, लेकिन जो प्रश्न पत्रों की कठिनाई का लेवल होगा वो होगा आपका 12th लेवल। तो यानी कि आपको पढ़ाई तो 1 से 8 तक की किताबों में से करनी है, लेकिन आप ये ध्यान रखें उनमें जो कठिन टफ क्वेश्चंस हैं उस लेवल तक आप जरूर जाएं, उनको याद करके जरूर जाएं। इसका सीधा सा मतलब है कि एग्जाम में क्वेश्चंस बाहर से आ सकते हैं, मान लीजिए आपका पॉइंट है महाद्वीप, तो महाद्वीप में जितना उनमें दिया है वो तो ठीक है लेकिन उससे बाहर से भी आ सकता है, तो आप जो बाहर से बुक्स हैं उसको भी कंसल्ट करें और पूरी पूरी जानकारी कंप्लीट करके
जाए ताकि आपको इस एग्जाम को क्लियर करने में कोई दिक्कत ना हो। तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट में जरूर करें, और अगर आपको ये चैनल पसंद आ रहा है तो सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इस तरह के वीडियोस में आपके लिए लाता ही रहता हूं। लाइक करें, शेयर करें दोस्तों को, और साथ साथ बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि इस तरह के वीडियोज पहुंचते रहें आप तक सबसे पहले। तो ऐसे ही किसी यूजफुल वीडियो में मैं आपको फिर मिलता हूं। आज के लिए बस इतना ही, तब तक के लिए नमस्कार।